देवघर जिले की पुलिस ने जसीडी थाना इलाके के धोबिया गली से 9 किलोग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम भरत राउत बताया जा रहा है। इस मामले में जसीडी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SDPO पवन कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में ये बात सामने आई कि गांजे को बिहार से लेकर देवघर में खपाया जा रहा था। आरोपी द्वारा गांजे को छोटी छोटी पुड़ियों में भरकर बेचा जाता था। कल दिनांक 1/8/2021 को सायकालीन में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जसीडी थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो जसीडी थाना अंतर्गत एक धोबिया गली है जो जसीडी थाना में पड़ता है, वहाँ किसी एक भरत नामक एक व्यक्ति है, राउत नामक एक व्यक्ति है, जिसके घर में अवैध गांजा की खरीद बिक्री होती है। सूचना को वरीय पदाधिकारी को पुलिस अधीक्षक देवघर को दिया गया, जिसके दिशा निर्देश के आलोक में SDPO देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी, जिसमें जसीडी थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा ही काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से स्थान पर पहुंचा गया और वहाँ पे जो है जो भी गुप्त सूचना में जो भी स्थान हम लोग को निर्देशित हुआ था, वहाँ हम लोग ने प्रॉपर सर्च किया। सर्च के क्रम में एक राउत नामक व्यक्ति था, जिसके घर से हम लोग 9 KG गांजा बरामद किए हैं। साथ ही एक जो मशीन ये तुला भी बरामद किए हैं, जिससे वो लोग गांजा को नाप के जो है कस्टमर को बेचते थे। पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आया था कि लोग बिहार से गांजा लाते हैं और यहाँ पुड़िया बना के 100-200 रुपये में करके उसको बेचते हैं। मेन सरगना भी इन्वेस्टिगेशन की विषय वस्तु है। हम लोग इस पर विशेष काम कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ से गांजा लाते थे इतनी मात्रा में और यहाँ सप्लाई किसको करते थे। हम लोग इस दिशा के इस कदम पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग पहुँच पाएंगे कि एक्चुअली ये सरगना कौन है जो इसको गांजा की सप्लाई करते थे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।